एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसे देखकर हर भारतीय का खून खौल उठेगा। वो पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने की सोचेगा। पाकिस्तान के क्रिकेटर हसन अली ने वाघा बॉर्डर पर भारत की ओर देखकर अजीबोगरीब हरकत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है। तस्वीर आप देखिए, वाघा बॉर्डर की तस्वीर है। वाघा बॉर्डर पर उस वक्त की तस्वीर है जब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी वहां पर चल रही है। इस वीडियो को देखकर हर भारतीय यही कह रहा है, औकात में रहो पाकिस्तान, वरना इस हरकत का अंजाम बड़ा महंगा पड़ेगा। दरअसल इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर रवाना होने के पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को जोश भरने के लिए वाघा बॉर्डर पर लाया गया था। जोश इसलिए ताकि देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करे विदेशी धरती पर जाकर, लेकिन वहां पर हुआ क्या वो आप देखिए। इस दौरान गेंदबाज हसन अली ने भारतीय सैनिकों की तरफ देखकर विकेट लेने के अंदाज में सेलिब्रेट किया। विकेट लेने के बाद अपने ट्रेडमार्क अंदाज वाला जश्न मनाने लगा और भारतीय सैनिकों की तरफ देखकर जोर जोर से आवाज निकाल रहा था, जिससे भारत में जबरदस्त गुस्सा है। बीएसएफ ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पर कड़ा एतराज जताया। और आपको बता दें, जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में सिर्फ बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स हिस्सा ले सकते हैं, तीसरे किसी को आने की इजाजत है नहीं। लेकिन इसके बावजूद हसन अली पहुंचे वहां पर जहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स खड़े होते हैं, विकेट लेने के अंदाज में जश्न मनाया। क्रिकेट करियर इनका क्या है वो भी जरा आप समझ लीजिए। टेस्ट इन्होंने 2 खेले हैं, वनडे इंटरनेशनल 30 खेले हैं, T20 16 खेले हैं। विनोद लामा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, हसन अली की ये तस्वीरें, हर भारतीय का खून खौल उठ रहा है। क्रिकेट के मैदान पर कुछ खास कर नहीं पाते, वाघा बॉर्डर पर पहुंच गए। देखिए, वाघा बॉर्डर पर पहुंच गए क्रिकेट के मैदान में। भारत के खिलाफ इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में 3 विकेट लिए थे, उसके अलावा ऐसा कोई बहुत बड़ा कारनामा इनका याद नहीं आता है जो इतना कर रहे हैं। लेकिन जो नियमों की जो साथ छेड़छाड़ है कि वहां आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वीडियो को डालता है, इसका मतलब आप समझिए कि वहां पाकिस्तान की तरफ से इनको रोका नहीं गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो सभी खिलाड़ियों को, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को वाघा बॉर्डर पर ले गया था फ्लैग डाउन सेरेमनी देखने के लिए, वहां कुछ जरूरत से ज्यादा जोश में आके इस तरह से बीच में करना ये नियमों के खिलाफ है। कि इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं आप, और आपको पता है कि अभी एशिया कप भी होने वाला है यूएई में, वहां भारत की टीम से आपका आमना सामना होगा मैदान में, तो वो तमाम ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी, जब आपको पता है कि खेलना है भारत से आने वाले समय भी और लगातार खेलते भी रहे हैं, ये सेना को प्रोवोक करना और इस तरह से करना बेहद ही निंदनीय और बहुत ही खराब तरह का जो एक्शन उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल, चले विनोद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स शामिल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये गेंदबाज हसन अली वाघा बॉर्डर पर उस जगह पहुंचा जहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स खड़े होते हैं, और वहां पर किस अंदाज में जश्न मनाया वो आप देख सकते हैं।